जोधपुर में कांग्रेस उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार फलोदी से महेश व्यास, लोहावट से कृष्णाराम बिश्नोई, ओसिया से दिव्या मेदराणा, भोपालगढ़ से भंवर बलाई, सरदारपुरा से अशोक गहलोत, जोधपुर शहर से मनीषा पंवार, लूनी से महेंद्र बिश्नोई, बिलाड़ा से हीराराम मेघवाल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने शनिवार को शेष दो विधानसभा क्षेत्र से अयूब खान को सूर्य सागर तो शेरगढ़ से मीना कंवर को विधानसभा सीट पर उतार दिया है। सूर्य सागर से टिकट मिलते ही प्रोफेसर अयूब खान के यहाँ खुशी का माहौल रहा। उनके समर्थकों ने उनके घर जाकर बधाई दी, वे माला पहनाकर उनको मुबारकबाद दी। प्रोफेसर अयूब खान पेशे से श्रीगंगानगर में सेठ GLBSD कॉलेज में गणित प्रोफेसर है। हालांकि उनका नाम कहीं पर भी सोशल मीडिया पर ना सुना होगा ना देखा होगा। हालांकि सूर्य सागर से सोशल मीडिया पर कई नाम सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो नाम सामने आ रहे हैं वे हैं जफर खान, सिंधी, रामेश्वर डढीच, लियाकत अली रेंगरेज और भी कई नाम हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सूर्य सागर से BJP ये सीट ले जाती है या फिर उभरते हुए नाम कांग्रेस उम्मीदवार प्रोफेसर अयूब खान के खाते में आती है। 24TV नेटवर्क राजस्थान के लिए दानिश खान की रिपोर्ट। अभी जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने एक विचित्र और एक हास्या, देखिए आरोप प्रत्यारोप का तो चलता रहेगा। आप आपका लक्ष्य, मेरा जो लक्ष्य ये है वो मेरा लक्ष्य बता रहा हूँ कि जो उन्होंने जो नियम बनाए हैं, जो छोटे जो है वर्कर्स जो है, जो जिनके जो कम पूंजीपति लोग हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं जिनको 30x60 की जो माइंस जो अलॉट की गई है, उनको जो है ऐसा एक नियम बना दिया है कि उनको जो है अप्रैल 2025 में वो सारी माइंस जो है उनकी निरस्त कर दी जाए, जो कि एक बहुत ही बेतुका जो है। उस नियम को मैं विधानसभा के अंदर लाके उस नियम को बदला के आपका चेहरा कभी टीवी पर नहीं आया, कभी आप